हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑल्टर और रिनेम कमांड के बारे में। ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है एग्जिस्टिंग किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। रिनेम कमांड का इस्तेमाल किया जाता है किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम को चेंज करने के लिए। चलिए देखते हैं इन कमांड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे अपने एसक्यूएल प्लस को रन करने के लिए। यहाँ हमें कनेक्ट करना है एसक्यूएल प्लस से। नो लॉग यानी हमसे कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन ये नहीं मांगेगा। यहाँ हम कनेक्ट करते हैं अपने यूज़र से। हमने एक यूज़र बनाया था मनीष नाम से, जिसका पासवर्ड था कंप्यूटर। हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। हमने एक टेबल वहाँ पर बनाई थी डिपार्टमेंट नाम से। ओके, ये हमारी टेबल है। अब सपोज मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है। सपोज डिपार्टमेंट का एक ईमेल एड्रेस है और वो मुझे इस टेबल में ऐड करना है। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, यानी हम इसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो कि तीन कॉलम है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उसमें एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ऑल्टर। हम क्या ऑल्टर कर रहे हैं, एक टेबल को। हमारी टेबल यानी ऑब्जेक्ट का नाम है डिपार्टमेंट्स और हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है। और कॉलम का नाम क्या है, डिपार्टमेंट ईमेल, और उसका डेटा टाइप है वायरकैर 50। ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, आपकी टेबल ऑल्टर्ड हो गई है। आप वापस से अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, जिसका डेटा टाइप है वायरकैर। तो हमने ऑल्टर कमांड की मदद से एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट जो कि एक टेबल है उसमें हमने एक कॉलम ऐड कर दिया। सपोज हमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम नेम। जो हमने अभी एक नया कॉलम ऐड किया था हम उसे ऑल्टर टेबल ड्रॉप की ड्रॉप कमांड की मदद से उसे ड्रॉप कर देंगे। आप वापस से अपना स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख पाएंगे वो कॉलम यहाँ से हट गया है। सपोज हमें किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप में कोई बदलाव करना है। सपोज हमसे टेबल क्रिएशन के वक्त कुछ मिस्टेक हो गई थी कि सपोज यहाँ पे जैसे इसका साइज 20 है, हमें इसे 40 करना था, तो हम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई किसे करेंगे, कॉलम नेम, और इसके डेटा टाइप को कर देंगे जो भी हमें चेंजेस करने हैं। सॉरी, इसमें कुछ टेबल की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई। तो यहाँ टेबल ऑल्टर हो गई है। आप वापस से डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसे ऑल्टर कर दिया। या सपोज हमें किसी कॉलम के नाम को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रिनेम डिपार्टमेंट हेड टू डिपार्टमेंट हेड। तो हमने यहाँ पे डीपीटी हेड कॉलम को डिपार्टमेंट हेड में रिनेम कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना होगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रिनेम कॉलम। हमें क्या रिनेम करना है, कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए। हमने एक नया कॉलम ऐड किया, एक कॉलम को एग्जिस्टिंग टेबल से ड्रॉप कर दिया, या किसी कॉलम के डेटा टाइप में चेंजेस किए, या किसी कॉलम को रिनेम कर दिया। तो यहाँ पे ऑल्टर कमांड हमें हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चर में चेंजेस करने में। आप चाहें तो रिनेम कमांड का यूज़ कर सकते हैं टेबल को ऑल्टर करने के लिए। टेबल, सपोज मुझे टेबल का नाम ही रिनेम करना है, इस टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स है, मुझे इसे बदल के डीपीटी करना है, तो हम लोग ऑल्टर टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रिनेम टू न्यू टेबल नेम। तो अब इस टेबल का नाम डिपार्टमेंट से बदल के डीपीटी हो चुका है। अब डिपार्टमेंट नाम की कोई टेबल यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट टेबल को रिनेम करके डीपीटी में कन्वर्ट कर दिया। या आप सीधे रिनेम कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिनेम
हमारी नई टेबल का नाम डीपीटी है, हमने इसे बदल के क्या कर दिया, डिपार्टमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारी टेबल रिनेम हो चुकी है। आप वापस से देखेंगे तो हमारी डीपीटी टेबल अब यहाँ पे नहीं है, जिसे वापस बदल के हमने क्या कर लिया है, डिपार्टमेंट्स। तो आप यहाँ पे देख पाए कि मैंने ऑल्टर और रिनेम कमांड की मदद से एक टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ मेजर चेंजेस किए, जैसे एक कॉलम ऐड करना, एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप करना, या किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप में चेंजेस करना, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम रिनेम करना, या किसी टेबल का नाम रिनेम करना। इसमें हमें ऑल्टर और रिनेम कमांड की हेल्प लेनी पड़ती है। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रंकेट कमांड के बारे में बताऊंगा।